सो है नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सब दोस्तों को टेक्निकल सार्निकल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रियल क्रिकेट 22 गेम की नई अपडेट के बारे में। दोस्तों काफ़ी सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई इसका हमें नई अपडेट कब तक दी मिल पहले, और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो जो बना के बता दी हूँ प्रूफ के साथ, बट काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो एक बार फिर से रियल क्रिकेट 22 गेम की नई अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। अपडेट आपको कब तक दिखने मिलने वाला, इसकी रिलीज डेट के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी नई अपडेट का मेगा अपडेट का वेट कर रहे हो तो आप लोग जिस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और बाकी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग बता रियल क्रिकेट 22 गेम की न्यू अपडेट को ऊपर मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो बना के बता दिया हूँ कि भाई जो है इसका न्यू अपडेट हम लोग को मोस्ट प्रॉबली चांस है कि इसी मंथ यानी कि जनवरी के एंड में हाई चांस है दिखने मिल जाएगा, और वैसे अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो फरवरी के स्टार्ट में देखने मिल जाएगा। ये मैं आपको पिछली 2-3 वीडियो के अंदर यही बताता आ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जनवरी के एंड में इसलिए बोलता आ रहा हूँ मैं आपको हर वीडियो के अंदर, क्योंकि दोस्तों इसका जो सीजन 2 अभी मल्टीप्लेयर के अंदर रन कर रहा है फिलहाल में लेटेस्ट वर्जन में, वो दोस्तों 23 जनवरी को एंड होने वाला है। इसी वजह से दोस्तों हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 23 जनवरी को इसका सीजन 2 एंड हो जाएगा, और उसके साथ में हम लोग को 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद हम लोग को जो सीजन 3 का एक बहुत बड़ा अपडेट मिल सकता है, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो भाई मल्टीप्लेयर स्पेशल अपडेट हो सकता है जिसके अंदर हम लोग को जो काफ़ी सारे बंदे बहुत ही एक्साइटेड है 2 vs 2 मोड के लिए, यानी कि काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है सीजन 3 के साथ में हम लोग को 2 vs 2 मोड मिल जाए, और जो स्पेक्टेटर मोड है और भी इसके साथ में जो है मल्टीप्लेयर के अंदर हमें काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह जो है देखने मिल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हाई चांस है। क्योंकि दोस्तों जब से गेम आया तब से हमें मल्टीप्लेयर के अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह, यानी कि कुछ अपडेट तो काफ़ी सारे आए या बट मल्टीप्लेयर के अंदर अभी तक जब से गेम आया कोई भी चेंजेस वगैरह देखने मिले। तो दोस्तों हो सकता है इस वाली न्यू अपडेट के अंदर यानी कि जो सीजन 3 का अपडेट होगा, इस वाले अपडेट के अंदर मल्टीप्लेयर के अंदर बहुत सारे चेंजेस और जो मोड है वो अनलॉक वगैरह हो सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ में हमें काफ़ी सारे गेम के अंदर एनिमेशन है और कार्टून वगैरह तो देखने मिल जाएंगे, और साथ में जो स्क्वाड अपडेट भी हो सकते हैं, भी जो 1-2 प्लेयर इंडियन टीम्स के न्यू आए हैं और भी काफ़ी सारी टीम्स हैं उनकी भी मतलब प्लेयर्स जो है चेंज वगैरह हुए हैं, तो स्क्वाड अपडेट हो जाएंगी। एंड दोस्तों उसके साथ में जो है भाई हमें न्यू स्टेडियम वगैरह भी देखने मिल सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रॉबली हाई चांस है, क्योंकि गेम के अंदर अभी इतने ज़्यादा स्टेडियम जो हम लोग को देखने नहीं मिलते, तो हम उन स्टेडियम पर खेल खेल के पक चुके हैं। तो भाई अभी जो है कंपनी हमें न्यू स्टेडियम दे सकती है, जो कि हो सकते हैं दोस्तों इंडिया के भी बहुत कम हैं, तो इंडिया के स्टेडियम भी आ सकते हैं, और थोड़े बहुत जो है फॉरेन कंट्री के भी आ सकते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो भी अदर कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इनके हम लोग जो है स्टेडियम वगैरह न्यू देखने मिल सकते हैं। और भी दोस्तों बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। मैं भी दोस्तों अगर कंपनी ने हाईलाइट्स का फीचर्स भी बना लिया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि भाई हाईलाइट्स का फीचर्स आए, जो कि बहुत ही जल्दी हम मिल सकता है इसी न्यू अपडेट के अंदर, और इस बार थोड़ा अलग तरीका होगा। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि हमें कस्टमाइज वगैरह मिल जाए, जैसा कि WCC3 गेम के अंदर मिल सकता है, हम जो है कैमरा एंगल्स खुद जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं, हाईलाइट्स को रिकॉर्ड करते समय ऐसा कुछ मिल सकता है, तो हाईलाइट्स का फीचर भी मिल जाएगा। और इसके साथ में जो भाई मुझे फीचर्स लग रहे हैं ये तो मैंने सिर्फ आपको वही बताया, लेकिन कंपनी ने जो अपडेट के अंदर ऐड करने हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हम लोगों मतलब न्यू अपडेट के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बस यही बोलता रहूँगा भाई फीचर्स तो हम लोगों को अच्छा सा अपडेट होगा, यानी कि आप लोग कह सकते हो भाई बहुत बड़ा मेगा अपडेट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम से कंपनी ने कोई भी अपडेट नहीं दिया, और दोस्तों खास करके ये भी है कभी सीजन 2 एंड होगा तो सीजन 3 स्टार्ट होगा तो उसके स्पेशल में हम लोग एक बहुत बड़ा मेगा अपडेट मिल सकता है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस अपडेट के लिए, और कंपनी ने वैसे भी हाइप क्रिएट कर ही दी है भाई, इतना टाइम ले लिया है, तो भाई हम लोग को बहुत ही अच्छा ये अपडेट जो है मिलने वाला है। तो बस आप लोग वेट कीजिए इस मंथ के एंड में, यानी कि जनवरी के एंड में, या फिर दोस्तों 23 तारीख या फिर 25 तारीख यहाँ पर मतलब एंड में मिल जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत डिले होगा तो फरवरी के स्टार्ट में हम लोगों को रियल क्रिकेट 22 गेम का यहाँ तक हमको न्यू अपडेट मिल सकता है। तो दोस्तों होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई भी रहेगा तो आप लोग जो कमेंट कर सकते हैं। एंड दोस्तों बाकी आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सर लाइक करके जाना, और चैनल को प्लीज़ सर सब्सक्राइब कर दो, हमको 4K सब्सक्राइब बहुत ही जल्दी कंप्लीट कराने, होप कि आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दोगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।